यूनिक क्लिनिक, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ ऑर्गेनाइज की उसका सब्जेक्ट था कि नागपुर में कुछ नया करना। तो उस लेवल पे मैंने अपने ऑपरेशन, एक ऑपरेशन थिएटर अपनी क्लिनिक में डेवलप किया है, दैट इज अ डे केयर यूनिट सेंटर, जिसमें आज तक हम नागपुर में देखते थे तो ट्रांसप्लांटेशन हम जब करते थे तो हमेशा एक्यूटी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता था, जिसमें बैक से स्कार रिमूव किया जाता था और उस बैक के स्कार को फ्रंट में हेयर ग्राफ्ट करके फिर फ्रंट में पेनिटेशन किया जाता था। पर ये जो टेक्नोलॉजी अभी हमने लॉन्च की है दैट इज कॉल्ड द FUE टेक्नोलॉजी, इसमें बैक से स्कार नहीं निकाला जाता, इंडिविजुअल हेयर्स रिमूव कर दिए जाते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा पेशेंट को ये बेनिफिट होता है कि किसी भी तरह का पेन उनको बैक में स्कार का या हीलिंग का नहीं होता। जब हेयर बंच ऑफ हेयर्स बैक से रिमूव कर लिए जाते हैं और उनको स्टार्टिंग के जो कॉर्नर्स हमारे हेयर ट्रांसप्लांट है या कम्प्लीटली क्राउन एरिया है, ग्रेड 8 तक का जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है उसको हम FUE हेयर ट्रांसप्लांटेशन से कर सकते हैं। ये काफी इजी वे में सर्जरी होती है जिसमें केवल लोकल एनेस्थीसिया फ्रंट में और लोकल एनेस्थीसिया जहां से हम हेयर निकाल रहे हैं वहां देना होता है। किसी भी तरह के हमको कंप्लीट बॉडी एनेस्थीसिया देने की नीड नहीं होती है। पेशेंट सर्जरी कराते हुए इजिली मैगजीन म्यूजिक सिस्टम सुनते हुए अपना इंजॉय करते हुए वो सर्जरी करा लेते हैं, सेम डे वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। लगभग 2000 to 3000 हेयर फॉलिकल्स एक सिटिंग में लगाया जा सकता है और फिर विद इन 2 डेज थोड़ा सा रेस्ट करके पेशेंट 10 डेज में एकदम नॉर्मल होते हैं। 1 मंथ में उनको विजिबल हेयर ट्रांसप्लांटेशन दिखने लगता है और 3 to 6 मंथ में हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं उनका ये जो हेयर वो लगा रहे हैं इज अ परमानेंट हेयर, ये स्कार्प से कभी भी निकलता नहीं है। एक बार लगाने के बाद ये लाइफ टाइम स्कल्प में रहता है। आगे चल के हेयर कलर कटिंग यदि पेशेंट कभी वापस फिर से चाटी करते भी या हेयर रिमूव करते भी निकलता नहीं है, एक बार लगाने के बाद ये लाइफ टाइम स्कल्प में रहता है। आगे चल के हेयर कलर कटिंग यदि पेशेंट कभी वापस फिर से चाटी करते भी या हेयर रिमूव करते भी है तो वापस उस जगह पे फिर से बाल जैसे हमारे नेचुरल रूट्स आ जाती है वैसा ये बाल आ जाता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा फॉलोअप और मेंटेनेंस नहीं होता, जस्ट एक हेयर रीग्रोथ लोशन और प्रोडक्ट यूज करके भी पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में एक सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहूंगी व्यूवर्स को कि आज ये जो सर्जरी हम प्लान कर रहे हैं ये आज मेट्रो सिटीज में और इंटरनेशनल मार्केट में काफी लैक्स ऑफ रुपीज आपसे चार्ज कर दिए जाते हैं, पर यूनिक क्लिनिक में केवल 25 रुपीज पर ईयर नॉर्मल रेट है और अभी 40% डिस्काउंट मतलब 15 to 17 रुपीज पर ईयर में भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। तो एक काफी कम बजट में हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन FUE टेक्नोलॉजी, मुंबई से डॉक्टर रवि खरे सर हमारे पास आए हैं जिन्हें 400 सर्जरी की हुई, उन एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर से आप ये सर्जरी कर सकते हैं और 100% अपने लुक को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर था उसमें डायोड हेयर रिमूवल लेजर मैंने अपने क्लिनिक में लॉन्च किए, जिस लेजर्स के द्वारा हमारे जो बॉडी में जितने भी अनचाहे बाल होते हैं जिनके लिए हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 940 वेवलेंथ तक हेयर रिमूवल होता है और हेयर रिमूव करते टाइम किसी तरह का कोई पेन नहीं होता, स्कार नहीं होता, कोई मार्क्स नहीं आता, पेशेंट को कोई जलन नहीं होती और पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती।